Cross cultural psychology, some words are used interchangeably or again and again in reference to various research samples. And those distinctions or those words are about how uh, people or groups are different. So, let us look at some of those distinctions. Religion, religion is based on revelation, that is the faith of the people. अबाइड बाई और बिलोंग टू अ रिलिजन कि दीन जो है वो वही के ज़रिए आता है सो बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ देयर फेथ इवन इफ़ इट्स नॉट द साइंटिफिक डेफिनेशन वी मस्ट टेक दैट इन अकाउंट फिर ये एक सोशो कल्चरल सिस्टम है जिसके ज़रिए कुछ प्रिस्क्राइब कुछ डेजिग्नेटेड बिहेवियर और प्रैक्टिस हैं बिहेवियर जैसे हलाल और हराम का है रस्में हैं या मौत और शादी के मौके हैं लोगों की मदद करना है या बदला लेने में क्या फ़ैसला करना है तो कुछ बिहेवियर हैं जो हमें नज़र आते हैं उनमें इबादत भी हैं खलाक़ियात भी हैं और इस तरह की और चीज़ें हैं, जो दीन हमें बताता है और उसके बाद रिलीजन में मॉरल बिलीव्स, थियोलॉजी थियोलॉजी होती है ख़ुदा के बारे में क्या नजरिया वर्ल्ड व्यूज़ कायनात के बारे में क्या नज़रिया टेक्स्ट यानी रिलीजस इंस्क्रिप्शंस एंड रिलीजस टेक्स्ट जैसे इलामी किताबें होती हैं उसके अलावा और भी तरीक़ों से रिलीजन कन्वे होता है इस्लाम में वो हदीस और सुन्नत का भी लिटरेचर है इसी तरह बाकी जो दीन है बाकी अदियान है उनमें भी कोई ना कोई टेक्स्ट रिटर्न मौजूद होता है जो uh, सदियों से जनरेशन से हर दीन के लोग फॉलो करते हैं और उसे पढ़ते हैं सेंट्टिफाइड प्लेसिस यानी मुक़दस मुकामात, खाना कबा है या योशलम है या वेटिकन है जहाँ बड़ा चर्च है कोई या मंदिर है तो ये मुक़दस जगह होती हैं आई सेड, रेवोलिशन्स यानी वो जो कुछ पेशन गोयाँ होती हैं या प्रॉफिट्स की कई भी बातें होती हैं एथिक्स यानी खलाकियात और ऑर्गेनाइजेशंस, तो रिलीजन के अंडर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं चर्च है मस्जिद है दारलूम है ख़ानक है आश्रम है फिर रिलीजन जो है वो इंसानों को ह्यूमेनिटी को इंसानियत को एक सुपर एक ट्रांसेंडेंटल यानी जो बाला तर सतह है उससे कनेक्ट करता है और स्पिरिचुअल लेवल से कनेक्ट करता है रिलीजस एफिलिएशन का मतलब यह है कि आप एक्सेप्टेंस करते हैं जब आप किसी दीन का नाम लेते हैं कि मैं ये इस वाले दीन को बिलोंग करता हूँ तो आप ये मानते हैं तस्लीम करते हैं एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो फेथ है ये मेरे पे लागू होता है इसके अकायद मेरे पे लागू होते हैं और इसके जो प्रैक्टिस हैं इसके जो तरीके हैं इसके जो किरदार के लिए रहनुमाई है वो मेरे पे लागू होती है आपने अक्सर यह लफ्ज सुना होगा कि फ़लाँ फ्लाँ मज़हब में होते हुए भी ऐसे करता है जबकि उनका मज़हब यूँ कहता है इसका मतलब है कि तवक्को ये होती है कि इंसान ख़ुद भी तस्लीम करता है और उसको भी उसी तरह जज किया जाता है रेस जो है नस्ल को कहते हैं ये एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ़ लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई ख़ास औसाफ और, और करटरिस्टिक्स होती हैं ये सिमिलर होती हैं और ये जेनेटिकली एक से दूसरे में जाती हैं जैसे चाइनीज़ रेस है कॉकेजियन रेस है एशियन रेस है अफ्रीकन रेस है आप इनका रंग इनके बाल इनका कद काट इनकी आँखों की खास शेप, ये सब जो है वो आ, नसल दर नसल मुंतकिल होती हैं फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स हमारे डीएनए के ज़रिए फिर रेस जो है ये इंडिकेट करती है कि इस नस्ल के कुछ तजर्बात होंगे और कुरान और बाइबल और और किताबों में मुसलसल इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि उस नस्ल के तमाम लोग किसी तजर्बे से गुजरे चाहे आप बनी इसराइल की सूरत देख लें या और किससे देख लें हज़रत यूसुफ के लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने रेस से तीसरा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो एथनीसिटी है अब पाकिस्तान के अंदर ही अगर आप ये कहें कि ये इंडिया से महाजिर हैं या ये बलोचिस्तान से बिलोंग करते हैं चाहे कराची में रहते हों ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है जो पूरी कैटेगरी ऑफ लोग शेयर करते हैं उनकी आबा अजदाद एक होते हैं उनकी लैंग्वेज एक होती है उनकी रस्में और ट्रेडिशंस और रिवायात एक होती हैं उनका दीन भी अक्सर एक होता है और वो एक जोग्रफ़िकल टेरिटरी यानी एक ख़ास मुकाम के में उन रेस जो है वो पले बड़े होते हैं ये कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा है और आखिरी बात है नेशन हम सब एक कौम है कौम एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का जिनकी एक लेटडी में टेरिटरी होती है एक इंडिपेंडेंट स्टेट होती है तभी कौम कहलाती है उनका एक कॉमन जोग्रफ़िकल औरिजन होता है कि वो कौम कहाँ से आई और कैसे बनी और उनकी एक तारीख़ होती है हिस्ट्री है वो एक ही जैसी आम तौर पर कोई एक लैंग्वेज है वो जो सारी कॉम बोलती है सारी कॉम समझती है और फिर उनमें एक सेंस ऑफ कॉमन बॉन्ड होता है कि हमारा एक आपस में नाता है और हमारे कुछ नजियात हैं और हमारी वफ़ादारियाँ हैं तो जब हम दो कौमी नज़रिए बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जब नज़रिया बदला तो वही लोग जो एक मुकाम पर रहते थे वो दो कॉमों में तब्दील हो गए